से तालीम और सामाजिक पसमानदगी के नाम पर पूछ रहे हैं, जिसको साबित कर दिया सच्चर ने, रविन्द्रनाथ मिश्रा ने, कुंडू कलोई ने और 2004 के संसद ने। मगर आखिर अगर किसी की तरक्की देखना चाहता है तो सिर्फ हमने यादव परिवार की तरक्की देखना चाहता यही तुम्हारा काम बोलता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि अखिलेश और मोदी में फर्क नहीं है, क्या यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं, क्या 2002 में गुजरात में जो फसाद हुआ मोदी चीफ मिनिस्टर से, क्या भविष्य के चीफ मिनिस्टर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी नहीं थी कि वो गुजरात के इंसानों की जान की हिफाजत करें, उनकी थी ड्यूटी हो जो नाकाम साबित हुए। अखिलेश उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुजफ्फरनगर में फसाद महंगा हो, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुजफ्फरनगर में नौबत लोग की जान बचाई जाए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुजफ्फरनगर से 70-80 हजार लोग अपना घर बार छोड़कर चले गए। अगर अखिलेश सरकार है, अगर अखिलेश वोट दे रहा है तो मैं क्यों मोदी को वोट नहीं देने को, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं उन दलालों से सवाल कर रहा हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाने के बाद धरना पास हूं, जब मोदी 2002 के लिए उनको नाम रोकने में नाकाम साबित हुआ तो क्या अखिलेश नाकाम साबित नहीं हुए मुजफ्फरनगर के लिए? ये कौन सा इंसाफ है? और फिर ये रिपोर्ट ला रहा हूं जहां